दोस्तों, अगर आप भी शार्दुल ठाकुर को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से जरूर लाइक करें। वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 300 लाइक्स का है, इसलिए वीडियो को एक लाइक तो ध्यान से ही कर दीजिए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे और अंतिम मुकाबले में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शार्दुल ठाकुर ने पूरा का पूरा मैच पलट दिया। जी, आगे इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे मैच का पूरा हाल, लेकिन उससे पहले आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में से आप किसे बेहतर कप्तान मानते हैं। अब दोस्तों, यहां पर बात करें मैच की तो आपको बता दें, भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.2 ओवर में 10 विकेट खोकर 329 रन यहाँ पर बनाए थे, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने उतरी। और आपको बता दें, उनकी शुरुआत काफ़ी ख़राब रही और पहले ही ओवर में यहां पर भुवनेश्वर कुमार ने भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता दिलाई, जहां पर उन्होंने पहले ओवर की छठी गेंद पर सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय को बोल्ड किया। उन्होंने 6 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हुए वो। इसके बाद दोस्तों, तीसरे ओवर की छठी गेंद पर एक बार फिर से यहां पर भुवनेश्वर कुमार ने अपना जादू दिखाया और तुरंत ही दूसरे सलामी बल्लेबाज जॉनी बेस्टो को भी आउट किया। पिछले मैच में बेस्टो ने एक शानदार शतक जड़ा था, लेकिन इस मैच में भुवी ने उन्हें मात्र 1 रन पर आउट किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए पिछले मैच के हीरो बेन स्टोक्स, लेकिन दोस्तों इस मैच में बेन स्टोक्स भी ज़्यादा कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर टी नटराजन ने उन्हें धवन के हाथों कैच आउट कराया। स्टोक्स ने 39 गेंदों में 4 चौके और एक छक्के की मदद से 35 रनों की पारी खेली। इसके बाद यहां पर बल्लेबाजी करने आए डेविड मलान और जॉस बटलर, इन दोनों के बीच एक बढ़िया साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन दोस्तों तभी यहां पर 16वें ओवर की पहली गेंद पर विकेटकीपर बल्लेबाज जॉस बटलर भी आखिरकार आउट हुए। भारतीय टीम को एक के बाद एक बड़ी सफलताएं मिलती जा रही थी और यहां पर नियमित तौर पर भारतीय टीम को विकेट भी मिल रहे थे कि तभी आपको बता दें 24वें ओवर की 5वीं गेंद पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे लियाम लिविंगस्टोन को भी शार्दुल ठाकुर ने आउट किया। यहाँ दोस्तों उन्होंने 31 गेंदों में 4 चौके और एक छक्के की मदद से 36 रनों की बेहतरीन पारी खेली। इसी बीच दोस्तों, भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता चाहिए थी, जो कि थी डेविड मलान की, और फाइनली यहाँ पर 26वें ओवर की 4थी गेंद पर एक बार फिर से शार्दुल ठाकुर ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए डेविड मलान को भी आउट किया। आपको बता दें, मलान अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने 50 गेंद में 6 चौकों की मदद से 50 रन बनाए और इसी तरह से भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिलाई शार्दुल ठाकुर ने और पूरा का पूरा मैच पलट दिया। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर 31वें ओवर की 3री गेंद पर मोइन अली, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें भुवनेश्वर कुमार ने आउट किया। आपको बता दें, इस वक्त इंग्लैंड की टीम का स्कोर यहां पर 32 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 200 रन है और अब यहां पर इंग्लैंड को जीत के लिए 130 रन चाहिए हैं और वहीं भारतीय टीम को जीत के लिए मात्र 3 विकेट की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको बता दें, इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से यहां पर सबसे पहले तो शिखर धवन, जिन्होंने 67 रन बनाए। इसके बाद ऋषभ पंत ने एक बेहतरीन तूफानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 78 रन बनाए। ऐसे में दोस्तों, आपको इस मैच में शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी और गेंदबाजी कैसी लगी? आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? जल्द से जल्द नीचे कमेंट करके ध्यान से जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, मैं आपको वन क्रिक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा, जिससे आप बड़े ही आसानी से घर बैठे हजारों से लाखों रुपए तक कमा सकते हो। आप इसमें कई सारे गेम्स खेलकर, जैसे कि लाइव कैसीनो, इसके अलावा लॉटरी से भी पैसे कमा सकते हो। और साथ ही दोस्तों, यहां पर आपको पहले तो साइन अप करना होगा और साइन अप करते ही आप 100 से 1000 रुपए तक का यहां पर बोनस भी आपको मिल सकता है। और साथ ही दोस्तों, आप अपने दोस्तों को भी इन्वाइट करके इसमें कमीशन के तौर पर पैसे कमा सकते हैं, जब भी आपके दोस्त कोई भी डिपॉजिट करते हैं। इसके बाद अपने इन्वाइटेड फ्रेंड्स के अलावा उनके आगे इन्वाइट किए हुए फ्रेंड्स के डिपॉजिट पर भी आप आसानी से कमीशन ले सकते हैं। और दोस्तों, आपका कमाया हुआ पैसा आप इजीली अपने बैंक में भी विड्रॉ कर सकते हो, ये ऐप बिल्कुल सेफ है, इसलिए अभी डाउनलोड करें इस बेहतरीन ऐप को, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहीं दोस्तों, इसके बाद हार्दिक पांड्या और अंत में शार्दुल ठाकुर की तूफानी बल्लेबाजी ने भारतीय टीम को एक बड़े टोटल तक पहुंचाया। और दोस्तों, यहां पर शार्दुल ठाकुर ने अपना ऑलराउंड प्रदर्शन दिखाते हुए पहले तो बल्लेबाजी में आतंक मचाया, उसके बाद गेंदबाजी में भी वो अभी तक 3 विकेट ले चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। क्रिकेट से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए अभी हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से जरूर दबाएं।